सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये सर फिर यहीं से ही ऐसे जाते हैं, देखो आप दिखाओगे तो ये इसी बुनियाद से जो सीधी सीधी लाइन ऐसे जाती है, आगे हमारे खेत है, ये पेड़ वगैरह सब जो आगे वो पेड़ आ रहा है, वो पेड़ भी हमारी ज़मीन में आ रहा है। ये ऐसे 16 मीटर है अंदर को, वो जाके पूरा हमारा एक ही नंबर है 1663 जो कि इस इन्होंने दबा लिया है। एसडीएम सर से मिले थे, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी बस आश्वासन दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये दबंग आदमी है, बोल लेके तो तुम्हें किसी न किसी केस में करके अंदर करवा देंगे। हमारे बालकों को भी, हमें भी धमकी दे रहा, हमारे बच्चों को भी धमकी दे रहा। बटुआरी कहानी को बुलाता, हमें बुलाता ना, भैया मुझे दीवार करनी है, ईमानदारी हम इसकी जब जानते, क्योंकि एक तो हम लोगों पे ज़मीन होती नहीं है, अब थोड़ी बहुत हम थोड़े मेहनत करके ये ज़मीन कर लेते हैं तो उसको ऐसे ही ये भूमाफिया छीन लेते हैं। ये कोहली गांव में दलितों की ज़मीन कब्जा जा रही है, सब इसमें इन्वॉल्व है, ये दबंग आदमी सब, ठीक है जी। हाँ जो मैं, अब तो मरना है जी, हम तो मर ही जाएंगे, अब चाहे जहर खा कर मरे, अब हम तुम कर लो जो करना, तो भैया जहर खा कर मरेंगे अब। नहीं, आप कह रहे हैं ये मौके पर ये है जी, जो दलितों की जमीन कब्जा जा रही है सर, ये है जी दबंग आदमी, ठीक है सर। दलितों की जमीन जबरदस्ती है बाउंड्री खोद दी गई है, और दलितों की कोई नहीं सुनने को तैयार थी, बीजेपी की वो कर रही है बिल्कुल, ये बाउंड्री हो रही थी आइए जबरदस्ती खींच दी बिना किसी नपाई के, बिना किसी तुलाई के। तो ये जमीन है जी पीछे, ये जो काम से चल रहा है ये जी जी ये जमीन है। आप आ जाओ, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इधर जो जमीन ये थी, ये पहले इसने हमारी जबरदस्ती कब्जा करके ये ऐसे ही है, यहाँ जाते गए, ये आपकी बुनियाद सी खुदी हुई है, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कब्जा करके हमसे बाद में दबाव बना के जमीन ले ली थी। फिर ये सर फिर यहीं से ही ऐसे जाते हैं, देखो आप दिखाओगे तो ये इसी बुनियाद से जो सीधी सीधी लाइन ऐसे जाती है, आगे हमारे खेत है, ये पेड़ वगैरह सब जो आगे वो पेड़ आ रहा है, वो पेड़ भी हमारी ज़मीन में आ रहा है। ये ऐसे 16 मीटर है अंदर को रोड से, ये साथ कागज में जो लिखा जी जी जो जो हमारे मैन सिजरे के अकॉर्डिंग है कागजों में है, वो हमारी ऐसे ये पूरी 16 मीटर ऐसे वहाँ तक जा रही है पूरी, वो जाके पूरा हमारा एक ही नंबर है 1663 जो कि इस इन्होंने दबा लिया है। तो ये मामला क्या है ज़मीन के विवाद का आपके साथ जो हुआ है? ये सर हमारे पास सब वो चीज़ है, कागज़ वागज सब हैं, और ये हमारा केस पेंडिंग भी रहा है स्टे के लिए, और ये धर्मेंद्र भारद्वाज MLC भाजपा का विधायक है, ये सर हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा लिया है इसने। कितनी ज़मीन है और आपकी? ये सर हमारी ज़मीन यहाँ पर 700-800 मीटर ज़मीन है जो इसने हमारी ज़मीन कब्जाई है अभी। और ज़मीन के कागज आप पे सारे? कागज हमारे पास पूरा है, कसरा खतौनी में। हाँ जी 1663 है, ये पूरा मैन सिजरे में पूरा दर्शाया गया है सब। तो आपने शिकायत की इसकी कहीं? सर हमने हर जगह शिकायत की है, सबसे पहले हम थाने गए थे, एसडीएम सर से मिले थे, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी बस आश्वासन दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये ज़मीन, ये काम चिनाई विनाई जो हो रही है ये कब से शुरू की इन्होंने? ये सर 8 तारीख से काम इन्होंने शुरू कर दिया था। तो आपने विरोध किया था? हमने विरोध किया था सर, ये दबंग आदमी है, बोल लेके तो तुम्हें किसी न किसी केस में करके अंदर करवा देंगे, धमकी दे रहे हैं सर, इनकी सरकार है कुछ भी करेंगे, जब बड़े बड़े अधिकारी हमें कुछ कर नहीं पाए हैं तो फिर हम क्या करें बताओ।
ये जमीन का मामला है आपका, ये क्या हो रहा, किस कितने दिन हो गए आपकी जमीन पे ये चल रहा है? ये चल रहा भैया 5-6 साल से, जो छठी साल लग रही है। दोबारा हुआ इसने, दोबारा जबरदस्ती कर रहा हमारे साथ, और हमारी जबरदस्ती जमीन लेने के लिए, हमारे बालकों को भी, हमें भी धमकी दे रहा, हमारे बच्चों को भी धमकी दे रहा, क्योंकि इसकी सरकार है जबरदस्ती कर रहा। तो हमें नो बताओ, मोल खरीद दिया तो हमारी में क्यों कर रहा? बटवारी कहानी को बुलाता, हमें बुलाता ना भैया, मुझे दीवार करनी है। ईमानदारी हम इसकी जब जानते इसकी ईमानदारी। तो कोई आया नहीं सरकार से ये देखने, सब प्रशासन से? कोई नहीं आया, कोई नया पुलिस खड़ी करवा रखी है वहाँ, किसी गांव वालों को नहीं जान दे रहा, जबरदस्ती हो रही है ना। अम्बेडकर चौक है जी, ये चौपाल है अपने समाज की। तो यार तो खतरा भी होगा अब जी, विवाद चल रहा है। बिल्कुल खतरा जी, हमें तो मारने की धमकी दे रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं कि कुछ करोगे तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। सरकार तो कह रही कि भाई बीजेपी की सरकार है कि भाई कोई सी भी दलित की जमीन नहीं ले जाएगी, हमने माफिया ख़त्म कर दी, आपको लगा ऐसा है? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल जो बड़े लोग हैं ना उनके लिए है बस, गरीबों के लिए कोई सरकार इस तरह का कोई काम नहीं कर रही है। ये खुलेआम हो रहा, आप देख सकते हो इधर खुलेआम जमीन को कब्जाया गया रात के 1-1.5 बजे तक। मुझे अपने समाज के लोगों से अपील है, देखो हम यदि ऐसे ही रहे ना तो हम पे हर कोई हावी हो सकता है, क्योंकि एक तो हम लोगों पे ज़मीन होती नहीं है। अब थोड़ी बहुत हम थोड़ी मेहनत करके ये ज़मीन कर लेते हैं तो उसको ऐसे ही ये भूमाफिया छीन लेते हैं।